नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने देखा होगा कि कुछ जातक किसी भी ऑफिस में चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, उनका बात करने का ढंग, उनकी पर्सनालिटी इस तरह की होती है कि सामने वाला 2 मिनट में उनका काम कर देता है। और कुछ लोग कहीं भी चले जाएं, सामने वाला बहानेबाजी करेगा, कल आना, परसों आना, यानी उनकी जो व्यक्तित्व होता है उससे सामने वाला प्रभावित नहीं होता। और इस तरह के जातकों को अपने जीवन में भी छोटे छोटे कामों में दूसरे टांग खींचते रहते हैं। और एक इस तरह के जातक है कि जीवन पूरा आत्मविश्वास के साथ जीते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। कोई उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, पीठ पीछे चुगली करते रहे, लेकिन जो कार्य कर रहे हो उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं डाल सकता, इस तरह का व्यक्तित्व होता है। तो भाई, ये सब कुछ जो होता है वो छठे भाव के कारण होता है। कुंडली का जो छठा भाव है इसको दुख स्थान कहा गया। अगर दुख स्थान का दुख कम हो जाए तो जीवन बहुत सुखी हो जाता है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। सभी ग्रहों की छठे भाव पर दृष्टि हो तो किस तरह चमत्कार दिखाते हैं, जातक को एक फाइटर बनाते हैं, योद्धा बनाते हैं, जीवन में हर क्षेत्र में कामयाबी दिलवाते हैं। लोग इसके कार्य में विघ्न डालने से डरेंगे और वो सिकंदर की तरह अपने जीवन की सभी लड़ाइयां, सभी झगड़ों पर जीत प्राप्त कर लेगा। ऐसे कौन से ग्रह हैं, उन पर भी चर्चा। और ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी छठे भाव पर दृष्टि हो, जातक को थोड़ी मानसिक चिंता देते हैं शत्रु, टांगे खींचते रहते हैं बिना वजह से, वो जातक जीवन में अधिक तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए छठे भाव का कुंडली में बहुत महत्व है, क्योंकि जीवन में बहुत महत्व है इसका। अगर छठा भाव स्ट्रोंग हो जाए तो जातक की जो छाप होती है बहुत अच्छी होती है समाज में। बड़े बड़े जो राजनेता हैं, जो सरकारी अफसर हैं, जिनकी हुकूमत चलती है, जिनका नाम चलता है, किसी की भी कुंडली आप उठाकर देख लीजिए, छठा भाव मजबूत होगा। चलिए प्रत्येक ग्रह के बारे में बात करते हैं। अगर सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य अगर 12वें भाव में होगा तो इसकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी। राजा ग्रह किंग प्लेनेट है, आग है।
शत्रुओं का नाश बहुत आसानी से, जैसे आंधी में रेत उड़ जाता है, सूर्य की दृष्टि छठे भाव में हो, इस तरह से शत्रुओं का नाश हो जाता है। राजनीति में भी जातक हो तो कितने ही षड्यंत्र रचे जाए लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन एक बात होती है कि जातक ये चाहता है कि मेरे शत्रुओं का नाश भी हो जाए और समाज में मेरा इज्जत मान भी बना रहे, ताकि कोई ये ना कहे कि किसी गरीब के साथ इसने बुरा व्यवहार कर दिया, यानी समाज में भी अच्छी छाप बनी रहे और शत्रुओं का नाश भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए इतना अधिक नुकसान नहीं करेगा शत्रुओं का कि वो एक तर्स के पात्र बन जाए। एक लिमिट में शत्रुओं को सबक सिखा देगा सूर्य जब बारहवें भाव में होता है। मगर राजा अहंकार है, अगर प्रेस्टीज इशू बन जाए, इज्जत का सवाल बन जाए, तो भाई कितना भी खर्च हो जाए, कुछ भी करना पड़े, जातक शत्रुओं का नाश पक्का करेगा, हर हालत में करेगा। नौकरी और व्यवसाय में जातक की अलग ही छाप होगी, इसका काम करने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, अपने जो सीनियर है उनसे बातचीत करने का ढंग, जो इसके नीचे काम करते हैं उनसे काम कैसे लेना है, एक अलग ही अंदाज होगा, अधिक टेंशन नहीं लेगा काम काज की। और किसी से थोड़ी अनबन हो जाए उसकी अधिक परवाह नहीं करेगा। यानी बारहवें भाव में सूर्य हो तो जातक जीवन में तरक्की करेगा, शत्रुओं का नाश होगा। सूर्य कारक होना चाहिए, अगर कारक ग्रह होकर बारहवें भाव में विराजमान हो जाए तो विन विन वाली सिचुएशन बनेगी लाइफ में। अब आते हैं क्यून प्लेनेट चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा की भी भाई एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, ये भी बारहवें भाव में होगा तो सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा। तो जातक शत्रुओं के साथ भी थोड़ा भावनात्मक हो जाएगा कि चलो छोड़ो, किसी ने बहुत नुकसान कर दिया, सॉरी बोल दी, ऊपरी ऊपर से जातक कहेगा चलो छोड़ो। शत्रुओं से निपटने में भावनाएं बहुत अधिक होंगी जिसके कारण जीवन में नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर चंद्र कारक हो तो शत्रु इससे डरेंगे और जातक शत्रुओं से डरेगा, दोनों एक दूसरे से डरते रहेंगे। कारक चंद्र अगर बारहवें भाव में आ जाए तो शत्रु जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बड़े बड़े बंधों से शत्रुता ले लेगा जातक। शत्रुता ले गया ऐसा नहीं कि वो कहते हैं ना कि शत्रुता गले पड़ गई, परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी कि बड़े बड़े बंधों से शत्रुता गले पड़ जाएगी जिनके बारे में भाव में चंद्रमा हो। लेकिन अगर कारक हो तो जितने बड़े बड़े आदमी से शत्रुता हो जाए उसके बाद भी समाज में इसका इज्जत मान उम्दा होगा। अगर कारक ना हो तो थोड़ा डर का माहौल, सहम का माहौल रहेगा दिल में, मगर अधिक कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऑपोजिट सेक्स के लोगों से शत्रुता ना करे, यानी कि उनके अधिक नजदीक ही ना जाए।
अगर अधिक नजदीक जाएगा तभी उनसे शत्रुता होगी। अट्रैक्शन थोड़ी कम रखे अपोजिट सेक्स के लोगों से, नहीं तो वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, जिसके कारण जातक का धन भी थोड़ा नजायज रूप से खर्च हो सकता है। मगर अगर चंद्रमा कारक होकर 12वें भाव में स्थित हो तो जातक लोकप्रिय होगा और इसके साथ इसकी सहायता करने के लिए इसके आसपास के लोग सभी तैयार रहेंगे। जब कोई इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो सहायता करने वाले बहुत होंगे इसके, जिसके कारण ये शत्रुओं पर विजय हासिल कर लेगा, लेकिन थोड़ी मानसिक चिंता बनी रहेगी। जहां नौकरी करता हो या कोई व्यवसाय हो तो इस तरह का स्वभाव होगा कि कोई इससे काम कह दे उसको ना नहीं बोल पाएगा, सबको खुश करने की कोशिश करेगा और सबको खुश करने की कोशिश में आप दुखी रहेगा। जातक को चाहिए 12वें भाव में चंद्रमा हो, अगर कारक हो तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस से चले, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर अकारक भी हो तो थोड़ा खर्च और थोड़ी मानसिक चिंता के अलावा शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आत्मविश्वास आपकी सफलता की कुंजी है, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ाइए और देखिए कि जीवन में कैसे आप तरक्की करते हैं। इसके लिए आपको चंद्रमा से जो चौथा भाव है, जैसे 12वें चंद्रमा आ गया, इससे चौथा तीसरा भाव आ गया, इसको मजबूत करना पड़ेगा। यानी अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध रखिए, मित्रों से अच्छे संबंध रखिए, दलेरी रखिए, पराक्रमी बनिए, आलस मत कीजिए, तो चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप जीवन में हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। अगले ग्रह के ऊपर आते हैं, मंगल के ऊपर। सेनापति ग्रह मंगल, मंगल 12वें भाव में हो, तीसरे भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो भाई जे छठे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जब मंगल तीसरे भाव में होगा तो इसकी चौथी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। जातक का पराक्रम इतना होगा कि इसके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकेगा, यानी समाज में इस तरह का रुतबा होगा कि शत्रु इसके सामने आने से डरेंगे, पीठ पीछे शत्रुता करेंगे, इसके सामने कोई शत्रुता नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो सेनापति की तरह जातक फाइटर होगा, देखते ही देखते उसको मसल कर रख देगा, उसका नाश कर देगा। पीठ पीछे कॉन्सिप्रेसी होती रहेगी। राजनीति में जो है उनको खास ध्यान रखना चाहिए, जो इनके नजदीकी हैं, इनके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर खास नजर बनाकर रखनी चाहिए। कई बार वो ही इनसे दुश्मनी करते हैं और गुप्त रूप से करते हैं। जातक का कोई भी व्यवसाय हो, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, राजनीति में हो, खुलकर कार्य करेगा, किसी की अधिक परवाह नहीं करेगा और हाथी की मस्त चाल चलेगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में इसका जो रुतबा होगा, जो दबदबा होगा वो गजब का होगा। 12वें भाव में मंगल हो तो भाई सप्तम दृष्टि से देखेगा छठे भाव को, तो जातक में जोश बहुत होगा लेकिन होश भी होगी।
इसलिए जोश और होश का जब साथ हो जाए तो फिर शत्रुओं का नाश होना तय, लेकिन उसूल होंगे, उसूलों के साथ चलेगा। ये नहीं कि सभी के साथ लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं। जो गलत करेगा, नजायज करेगा जातक के साथ, उसके साथ शत्रुता, और बारहवें भाव में मंगल हो, कई बार शत्रुओं के कारण खर्च दिख करना पड़ेगा, दौड़ भाग थोड़ी हो सकती है। ऐसा हो जाता है कई बार कि बहुत बड़े व्यक्ति से पंगा हो गया, फिर उसको संभालने में दौड़ भाग भी दिख हो गई और पैसा भी थोड़ा दिख खर्च हो गया। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में जातक एक लीडर होगा, सभी कार्य आगे बढ़कर करेगा, सबकी सहायता करेगा और कई बार गैर कानूनी ढंग से भी सहायता कर देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बारहवें भाव में मंगल हो, किसी की सहायता गैर कानूनी ढंग से मत करना, नहीं तो जैसे किसी की गवाही वगैरह नहीं डालना, जहां तक दिख सोचेगा नहीं, किसी ने कहा कि भाई जहां साइन कर दो, बोलेगा लाओ कर देते हैं, तो सोच समझ कर थोड़ा सिग्नेचर वगैरह करना, और लीगल सहायता नहीं करनी किसी की। ग्यारहवें भाव में मंगल हो तो आठवीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, मित्रों की सहायता से। बड़े बड़े शत्रुओं का नाश मिनटों में होकर देगा जातक, यानी कोई भी शत्रु हो, इसका सोशल सर्कल, मित्रों का दायरा, इसके चाहने वाले इतने अधिक होंगे कि ऐसा कह लीजिए कि जिसके दिन खराब आ गए वही इससे शत्रुता करेगा। लेकिन मंगल ग्यारहवें भाव में है, कई बार जातक को गुस्सा दिखा जाएगा शत्रुता के कारण, कई बार इसके करीबी भी इससे शत्रुता कर देंगे, या जिसका इसने बहुत किया होगा आउटपुट कुछ नहीं देंगे और इसका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण जातक को कई बार गुस्सा आ जाएगा और उस कारण से इसके हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो भाई अपनी हार्ट बीट का खास ख्याल रखें, शत्रुता में गुस्सा नहीं करना। आपके पास बहुत सोर्स है शत्रुओं से निपटने के लिए, आसानी से आप निपट लोगे, इसलिए गुस्सा नहीं करना और अपने ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना है। कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हैं, पॉलिटिक्स में है, नौकरी में है, व्यवसाय में है, चाहने वाले बहुत होंगे, लोकप्रिय होगा जातक, मित्र कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होंगे और हर क्षेत्र के व्यक्ति जातक के मित्र होंगे। अगले ग्रह की बात करते हैं, राजकुमार ग्रह बुध। बुध की तो भाई एक ही दृष्टि होती है सातवीं। बुध बारहवें भाव में आ जाए तो छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। बच्चा ग्रह बुद्धिमान बहुत है, जरूरत से अधिक सोचता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बारहवां भाव इसका नीच राशि बनती है, छठे भाव में उच्च राशि बनती है, तो एक अजीब सी स्थिति हो जाती है शत्रुओं के मामले में, किसी से शत्रुता हो जाए तो बहुत सोचेगा कि कहीं मेरा ये ना बिगाड़ दे, कहीं मेरा वो ना बिगाड़ दे, स्वास्थ्य पर असर हो जाएगा,
हाथ पैर सुन्न होने लग जाएंगे, अगर अकारक हो, अगर कारक हो, स्ट्रॉन्ग भावों का कारक मालिक हो, अच्छी पोजीशन में हो, तो एक प्लानिंग बनाकर शत्रुओं का नाश करेगा और शत्रु समझ ही नहीं सकेंगे कि किस तरह से हमारे खिलाफ इसने षड्यंत्र रच दिया और हमारा नाश कर दिया। बुद्ध कारक हो या कारक हो, इसकी जो शत्रुता होगी वो निंदा, चुगली, इस तरह के कारणों से होगी। यानी इसको पता नहीं होगा कि किससे कैसे बात करनी है, किससे कौन सी बात शेयर करनी है, कौन सी बात शेयर नहीं करनी। इसलिए जातक की शत्रुता हो जाएगी। अगर बुध कारक हो तो बिल्कुल जातक को कॉन्फिडेंस से चलना चाहिए, धैर्य रखे, डरना बिल्कुल नहीं है, दलेरी रखे, सोचना नहीं है, प्लानिंग बनानी है, इंप्लीमेंट करना है हमको, योजना बनाकर इंप्लीमेंट करे और दुश्मनों को अपनी बुद्धि से उनका नाश करे। बल से नाश नहीं होगा। अगर बाहर में बाहर में बुद्ध हो, आप सोचे कि बल से नाश कर देंगे, बल से नाश नहीं होगा, बुद्धि से नाश होगा। और कारक बुद्ध बाहर में बाहर में हो तो कार्यस्थल पर जातक बहुत भयानी होता है, सबका काम करता भी जाएगा और दुखी भी होता जाएगा। अगर कारक होकर बाढ़ में भाव में आ जाए तो दूसरों पर शक होता रहेगा कि ये मेरी चुगली कर कर आया, मेरे बॉस के पास मेरी निंदा करता है। ये खासकर ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति इसको उत्साहित करेंगे, नेगेटिव उत्साहित करेंगे, जिसके कारण जीवन में टेंशन बनी रहेगी। इसलिए बाहर में भाव में बुद्ध हो तो जातक को बाहर में से छठा भाव यानी कि पंचम भाव को मजबूत करना चाहिए। ये कैसे मजबूत होगा भाई? तर्क वितर्क कम करे किसी से, प्रेम संबंधों से दूर रहे, ऑपोजिट सेक्स के व्यक्तियों से दूर रहे, तो जीवन में हर जंग फतेह होगी। सिकंदर की तरह जातक सभी मुश्किलों का सामना करता हुआ विजय प्राप्त करेगा। अब आते हैं सबसे बड़े ग्रह जिसकी ज्योतिष में सबसे अधिक महत्वता है, गुरु के ऊपर। गुरु की भाई तीन दृष्टि होती है, दूसरे भाव में आ जाएगा, पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा। जब दूसरे भाव में आकर पंचम भाव दृष्टि से छठे भाव को देखेगा तो कोशिश यही रहेगी कि शत्रुता किसी से हो ही ना जीवन में। जातक का एक व्यक्तित्व इस तरह का होगा कि शत्रुता कम ही होगी। वाणी गुस्से में तो अधिक गुस्सा है तो वाणी कड़वी होगी, वरना तू बड़ा मैं छोटा। लेकिन इसके जो कुटुंब के लोग होंगे, जो परिवार के सदस्य होंगे, वो जातक की तरक्की में विघ्न बाधा का कारण बनेंगे। इसलिए उनकी परवाह कम करनी चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। परिवार के सदस्य को कोई बात अच्छी लगे ना लगे, आपको लगता हो कि मेरे कैरियर के लिए ये काम अच्छा है तो आप वो कार्य कर लीजिए, किसी की परवाह मत कीजिए। जो आपके शत्रु होंगे पढ़े लिखे होंगे और परिवार के लोग भी एक कोल्ड वार करेंगे, बिल्कुल सामने आकर नहीं, इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करते रहेंगे, जातक को गुस्सा भी आता रहेगा,
और कोई इतना बड़ा काम भी नहीं करेंगे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, जाने की अपनी नीतियों से जातक का बुरा करने की कोशिश करेंगे। अगर गुरु कारक होकर स्थित हो तो जातक इतनी परवाह नहीं करेगा, अगर अकारक हो तो थोड़ा जातक के जीवन में बिगड़ बाधाएं आएंगी परिवार के लोगों के कारण और पढ़े लिखे जो शत्रु होंगे उनके कारण। कार्यस्थल पर जातक का अच्छा इज्जतमान होगा, अच्छी छाप होगी, जातक की सलाह से लोग कार्य करेंगे और जो इसकी सलाह से कार्य करेगा उसको सफलता मिलेगी। एक बात और देखी जाए कि दूसरे भाव में गुरु हो, कई बार शत्रुता के कारण जातक को धन का लाभ भी हो जाता है, यानी शत्रुओं से लाभ भी हो जाता है। शत्रु अपनी चालों में आप ही नुकसान उठा लेता है और जातक को लाभ हो जाता है। पॉलिटिक्स में या उनके साथ खास तौर पर इस तरह की घटनाएं होती देखी गई है। अगर बारहवें भाव में हो गई तो सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा। जातक के असूर इतने पक्के होंगे क्योंकि गुरु का अपना घर आ गया बारहवां, कि शत्रु भी अंदर से जातक की इज्जत करेंगे। जातक में दयालुता झलकेगी, किसी पावर में आ जाए, 5 साल पहले कोई इसका शत्रु होगा जातक के पास आ जाए कि जी मेरा ये कार्य कर दो, तो जातक ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा शत्रु है, कभी इसने मेरा बहुत बुरा किया था, जातक उसका कार्य भी कर देगा कि चलो कोई बात नहीं। जिसके कारण समाज में अच्छा नाम होगा, अच्छी छाप होगी, अपने असूलों के कारण जातक खुद का नुकसान कर लेगा लेकिन दूसरे का तो भाई फायदा ही करेगा। दसम भाव में गुरु हो तो नौवीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर। अधिकतर जो शत्रु होंगे जातक के, जहां जो कार्य करता होगा वहां होंगे, जैसे जातक की प्रमोशन होनी होगी तो उसमें टांग अटाएंगे, जातक के खिलाफ गलत शिकायत कर देंगे, जो इसकी हायर अथॉरिटी होगी बॉस वगैरह होंगे इसकी चुगली कर देंगे। जातक सभी का दिल साफ होता है, सभी को अपने नेगेटिव पॉइंट्स बता देता है, भाई इतना याद रखिए कि आज जो आपका सबसे पक्का मित्र है कल आपका सबसे कट्टर शत्रु होगा जिनके दसम भाव में गुरु है, इसलिए आप अपने राज किसी को मत बताना, नहीं तो कार्य क्षेत्र में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो व्यवसाय करते हैं, फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, अपना रिकॉर्ड पूरा रखिए, आपका करीब भी आपकी शिकायत कर सकता है और अगर रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ तो फिर आप किसी मुसीबत में फंस सकते हो। पॉलिटिक्स में हो अच्छी तरक्की करोगे, मगर बयान सोच समझ कर देना, किसी के खिलाफ कोई बात मत बोलना, चाहे कितना ही आपका दुश्मन हो, मीडिया के सामने जो बात पब्लिक में जानी हो पूरी कूटनीति से बात करना, थोड़ी होशियारी सीखनी पड़ेगी, थोड़ी चलाकी सीखनी पड़ेगी, तब जाकर आप जीवन में फतेह हासिल करोगे, दुश्मनों का नाश कर सकोगे। अगर असूलों पर रहे और दसम भाव पर गुरु है तो भाई फिर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र बारहवें भाव में हो, क्योंकि शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, बारहवें भाव में होगा तो छठे भाव को
पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो बारहवें भाव में चुप करो तो एक शाही अंदाज होता है। जीवन में धीरे धीरे सभी सुख मिल जाते हैं, हर तरह के सुख मिल जाते हैं, और शत्रु लाख कोशिश कर ले जातक का जीवन सुख में ही रहेगा, परिस्थितियां ही ऐसी बन जाएगी कि शत्रु की बड़ी से बड़ी कूटनीतिक काम नहीं आएगी। जातक किसी की अधिक परवाह नहीं करेगा आमतौर पर, लेकिन दैत्य गुरु है, जब जातक को लगेगा कि अब ये शत्रु मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर देगा, जैसे वो कहावत है ना कि गधे को भी बाप बनाना, तब जातक गधे को भी बाप बना लेगा, लेकिन अपना नुकसान नहीं होने देगा, अपने सुखों में कमी नहीं आने देगा। दैत्य गुरु है, हर तरह की नीति आती है, साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है जातक को। ऑपोजिट सेक्स के कारण अधिक शत्रुता होती है जातक की, और लोग इससे जलते हैं, तो थोड़ा उनसे सावधान रहे। कार्य क्षेत्र में जहां जातक कार्य करता है, कहीं पर भी करता हो, काम करने का ढंग यूनिक होगा, खुला दिल इंसान होगा, सबकी मदद करने वाला, लोकप्रिय, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी कि लोग इसके पास आकर अपना दुख दर्द शेयर करेंगे, और जातक भी सहानुभूति से सबकी बात सुनेगा और सबकी हेल्प करेगा, और दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले जीवन में तरक्की करने से जातक को रोक नहीं पाएंगे। अब आते हैं सबसे तजुर्बेकार ग्रह शनि के ऊपर। शनि भाई चौथे भाव में हो तो इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि भाव पर। तो ऐसा देखा गया कि अधिक शत्रुता का कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर के पड़ोसी होंगे, या जातक जब अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी हो जाएगा उसके बाद जातक के जीवन में अधिक शत्रु होंगे। यानी कि या तो शत्रुता का कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होगी, या शत्रुता का कारण जातक का सुख होगा, उसका अच्छा मकान होगा जिसके कारण इसके पड़ोसी भी इससे जलेंगे और शत्रुता करेंगे, मगर जातक धैर्य से सभी पर विजय प्राप्त कर लेगा। जातक विचलित नहीं होगा, सभी पर बहुत आसानी से काबू पा लेगा, और अपने दिमाग पर भी जातक पूरा कंट्रोल रखेगा, और बड़ी से बड़ी परिस्थिति मुश्किल परिस्थितियों का सामना करता हुआ जीवन में तरक्की करेगा। कार्य क्षेत्र में व्यवसाय में धीरे धीरे तरक्की करता जाएगा और जातक को सभी सुख प्राप्त होते जाएंगे। जब वही शनि बारहवें भाव में हो तो सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, तो जातक अपने तजुर्बे के कारण, अगर शनि कारक हुआ तो तजुर्बे के कारण गूढ़ चाले और धैर्य से बड़े शत्रु को अपने जीवन में एंटर ही नहीं होने देगा। यानी एक लक्ष्मण रेखा रहेगी इसके आसपास कि शत्रु इसके जीवन में एंटर ही ना हो सके। अगर शनि अकारक भी हो बारहवें भाव में तो भी काफी हद तक जातक शत्रुओं को संभालने में सक्षम होगा। कई बार शनि पर शुभ प्रभाव अधिक हो
तो शत्रुओं के कारण कोर्ट कचहरी तक मामले पहुंच जाते हैं, थाने तक मामले पहुंच जाते हैं, पर जहां तक धैर्य नहीं छोड़ेगा और दिल पर बात नहीं लगाएगा, जिसके कारण शत्रुओं का सामना बहुत आसानी से कर अपने जीवन में के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेगा। कार्यस्थल में जो इसका व्यवसाय होगा, जातक बहुत मिलनसार होगा, ऐसा इंसान होगा कि परमात्मा से डर कर कार्य करने वाला होगा और सबकी मदद करेगा। मदद करने के बाद ढोल नहीं पीटेगा, किसी को बताएगा नहीं कि मैंने इसकी मदद की थी। जब भाई शनि नवम भाव में हो तो इसकी दशम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। तो जब जवानी होगी तो नौकरी में, व्यवसाय के क्षेत्र में लोग इसके भाग्य को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, शत्रुता करेंगे, मगर जातक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। थोड़े कोर्ट केस हो सकते हैं, लेकिन कामयाबी जातक को ही मिलेगी, प्रमोशंस वगैरह अच्छी होती रहेंगी, जीवन में तरक्की होती रहेगी, व्यवसाय पॉलिटिक्स में है वहां भी तरक्की करता रहेगा, ये जरूर है कि लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। और 50-55 साल की उम्र के बाद पैतृक संपत्ति के कारण अपने परिवार के जो भाई बहन है उनसे थोड़ी अनबन हो सकती है। तो जातक को चाहिए कि क्योंकि शनि न्याय का कारक है, नजायज ना किसी के साथ करे, सभी का जो शेयर बनता है, हिस्सा बनता है, उसको देने की कोशिश करे, तो जीवन में हर क्षेत्र में हर उम्र में जातक को सुख मिलेगा और अच्छा जीवन व्यतीत होगा। अब आते हैं राहु के ऊपर। मायावी ग्रह राहु जब दूसरे भाव में होगा तो पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, तो जो शत्रुता होगी जातक की उसकी वाणी के कारण, और किसी मुद्दे पर स्टैंड ले लेगा कि मैंने ये कार्य करना ही करना है, उसके कारण जातक की शत्रुता होगी। लेकिन राहु धुआं है, फैलाव है, शत्रु समझेगा कि जातक के पास इसकी बहुत बैक है, इसके पीछे बहुत आदमी है। जितनी जातक की औकात होगी शत्रु उससे अधिक ही आकेगा। और एक बात और देखी है कि जब राहु की पंचम दृष्टि पड़ जाए छठे भाव के ऊपर तो परिस्थितियां इस तरह की बन जाएंगी कि जब कोई इससे शत्रुता करेगा चारों ओर से अपने आप परेशानियों में गिर जाएगा और इससे शत्रुता करना तो भूल ही जाएगा। यानी इससे शत्रुता करना जातक के शत्रु के बुरे समय की निशानी होगा। जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत परफेक्ट होगा, हर कार्य की नॉलेज होगी, सभी लोग इसकी सलाह से कार्य करेंगे, और जो कार्य जातक की सलाह से किया जाए उसमें फतेह हासिल करेंगे। जब बारहवें भाव में हो राहु तो अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, तो भाई परिस्थितियों के अनुसार जातक अपने आप को बदल लेगा, असूल बिल्कुल नहीं होंगे, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना राम, मुंह पर मीठा अंदर से कुछ भी सोचता हो, शत्रुओं को शो नहीं होने देगा कि मेरी आपके साथ शत्रुता है या आपने मेरा नुकसान किया है। प्लानिंग इतनी जबरदस्त होगी कि समय आने पर ही शत्रु को पता चलेगा
कि ये पहले से ही पुरानी कर रहा था और मैं समझ ही नहीं सका। इसकी चालों के बारे में शत्रु अंदाजा ही नहीं लगा पाएगा। जहां शत्रु की सोच खत्म होगी वहां जाकर की सोच शुरू होगी। कई बार बारहवें भाव में राहु हो तो शत्रुओं के कारण, कई बार बड़े लोग शत्रु बन जाते हैं तो थोड़ी टेंशन के कारण जातक के कामों में प्रॉब्लम देखी गई है। आई साइट और सिर दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो भाई जो राहु से नवम भाव है यानी अष्टम भाव, उसको मजबूत करना चाहिए। यानी आपके जो गुप्त रिलेशन है, जो गुप्त संबंध है, उस समय वो काम आएंगे। चाहे छोटे से छोटे व्यक्ति है उससे गुप्त संबंध आपके किसी बड़े अफसर के साथ लगा हुआ है, वो आपके बहुत काम आएगा। जब दसम भाव में रहा हो तो भाई अपनी नौवीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा। तो जातक का दिमाग ऐसे कह लो कि काफी हद तक शातिर होगा। जातक जीवन के में सभी कार्य अपने पूर्ण कर लेगा, बाय हुक करे बाय क्रुक करे, शत्रु इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रु को अधिक परवाह नहीं करेगा और जातक की आदत होगी कि शत्रु को चिढ़ाता है। ये आदत जातक की थोड़ी भाई खराब है, इस पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि अच्छा बुरा समय सभी की लाइफ में आता है। शत्रु के सामने उनको चिढ़ाने का काम मत करें। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे पॉलिटिक्स में हो या सरकारी नौकरी में हो, टॉप पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं जातक। चाहे कोई भी रास्ता अपनाए, कानूनी अपनाए गैर कानूनी अपनाए, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने इनकी बहुत सहायता की है इनको ऊपर उठाने में। तो भाई ये बात गलत है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में आओगे तो वही लोग आपका साथ देंगे। तो उन लोगों का साथ भी अच्छे संबंध रखिए जिन्होंने आपको ऊपर पहुंचाने में आपकी सहायता की है, तो जीवन में आपकी सिचुएशन विन विन वाली रहेगी। आखिरी ग्रह बचा है केतु, उस पर चर्चा कर लेते हैं। केतु भाई दूसरे भाव में हो, बारहवें भाव में हो या दसवें भाव में हो, केतु की भी तीन दृष्टियां होती हैं, पांचवी सातवीं और नौवीं। दूसरे भाव से पांचवी दृष्टि से देखेगा, बारहवें भाव से सातवीं से, दसवें भाव से नौवीं दृष्टि से, किसी भी भाव से देखे छठे भाव को, तो ऐसा समझ लो कि जो आपका शत्रु बना है कोई पिछले जन्मों का कर्जा उतर रहा है। अच्छा ही है अगर शत्रु ने आपका थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया तो ये अच्छे के लिए हुआ है। आपके जो बुरे कर्म है वो कम हो गए हैं, डेबिट हो गए हैं। मगर एक बात तय है कि थोड़ी सी गर्मा गर्मी होने के बाद जातक को किसी का सहारा मिल जाएगा, क्योंकि केतु धन है, इसको कोई सिर मिल जाएगा, फिर पूरन हो जाएगा। जातक को कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा जिसके सहारे अपने शत्रुओं का नाश बहुत आसानी से कर देगा। पहले थोड़ी टेंशन देंगे शत्रु, उसके बाद कोई ना कोई व्यक्ति ईश्वर ही भेज देगा इसका सहारा बनने के लिए, तो शत्रु का नाश बहुत आसानी से कर देगा। कार्यस्थल में भी जहां नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, तो लोगों का सहयोग जातक को मिलता रहेगा और जीवन में तरक्की हासिल करता रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि छठे भाव में सभी ग्रहों की दृष्टि कैसे जातक को सिकंदर बनाने में सक्षम है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा,
मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स ए लॉट।